समाचार विस्तार से। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं के परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए, जिसमें शहर के अनेक बच्चों ने ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त किए हैं। 90% से अधिकांश बच्चों ने अंक प्राप्त किए, जिस पर स्कूली विद्यार्थियों, उनके परिजनों और स्कूली स्टाफ द्वारा उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी गई। माय नेम इज़ देवांश जी। हम लोग ट्रिनिटी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल आया है। कितने का परसेंट बने? मेरे 97% बने सीबीएसई से, 12th बोर्ड कॉमर्स। कौन से नंबर पर? मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर पे हूँ और ये रिज़ल्ट मतलब बहुत अच्छा रहा है मेरा। और हम लोग ने, स्कूल वालों ने, हमारे टीचर फैकल्टी बहुत मेहनत करी थी हम लोग पे, और ये एक अच्छी जर्नी रही है स्कूल के साथ हमारी। जिले में आपके बच्चे बेटे ने टॉप किया है, इसके बारे में क्या कहना? सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, जो हमने किया कुछ अलग नहीं किया है। तो बच्चों की मेहनत है, वो डिज़र्व करते हैं सबके लिए। कितने का परसेंट बने हैं आपके? मेरे बेटे के 97% बने हैं, मेरे भतीजे के 92% बने हैं और इस बिटिया के 95% बने हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा पूछताछ करने के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतराई है। कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष निशंक जैन के नेतृत्व में नीमताल पर कांग्रेस ने धरना दिया, जिसमें विधायक शशांक भार्गव सहित तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश के गरीबों और सर्वहारा वर्ग के नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता झूठे मुकदमे लादकर फंसाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम वो उस पार्टी के मेंबर हैं जो अंग्रेज़ों से नहीं डरे, हमने देश आज़ाद कराया है। ये ईडी मीडी से हमारे नेता क्या डरेंगे? पहले माननीय राहुल गांधी जी को फंसाने का प्रयास किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो अब उनकी माता श्री श्रीमती सोनिया गांधी जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ओछी हरकत करके देश की जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के समर्थन में आज सभी कांग्रेस जन यहाँ पे बैठे हैं। धन्यवाद। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा, क्या है? जब से देश में
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है, तब से विपक्षी नेताओं को झूठे प्रकरणों में फंसाकर जो राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, उसी के तहत पहले राहुल गांधी जी से कई दिनों तक पूछताछ की गई, उन्हें फंसाने का षड्यंत्र किया गया, और कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया, और एक जो फंसाने का षड्यंत्र है उसी के तहत पूरे देश में आज हर जिला कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से मौन धरना दे रही है। उसी के तहत आज विदिशा में कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ हम लोग भी मौन और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। आजकल रोज हादसे हो रहे हैं, इसके बाद भी युवक युवती सबक नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही युवक युवतियों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर सेल्फी ली, जिसे मौजूद लोगों ने देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। इस तरह से युवाओं पर अपने परिजनों को नजर रखनी चाहिए ताकि हादसों से बचा जा सके। आप भी देखिए किस तरह ये रेलवे ट्रैक पर जाकर सेल्फी ले रहे हैं। शहर के समाजसेवी रामेश्वर दयाल बंसल के द्वितीय पुण्य स्मरण पर अभिनंदन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में कल राज्यपाल मंगूबाई पटेल आ रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला ने तैयारियों का जायजा लिया, अभिनंदन गार्डन पर पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। आपको पार्सल जो भेजना पड़ेगा उसकी वीडियोग्राफी तो और कुछ नहीं, बस वहाँ तो एक सेंट्रल टेबल है, सेंट्रल टेबल पे पानी पोस्टर गिलास और आपकी जो चेयर डलेंगी तो फ्रंट की तीन रो आप थोड़ा सा वीआईपी टाइप बना दो तो आप और यहाँ तक आप मैंने साथ में वही तो शामिल है डॉक्टर जैन डॉक्टर जीव जैन दोनों इस बार भले ही मानसून देरी से आया हो, लेकिन जुलाई माह में जिस तरह से बारिश हुई है उससे बारिश की स्थिति का देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 10 जुलाई से आज 12 जुलाई तक 80% बारिश हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के चलते जहां गांधी चौक नीमताल लबालब हो गया तो वहीं हलाली बांध भी महज 1 मीटर खाली रह गया है। गिर रही है ना।
नगरी निकाय चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की जिला प्रदेश उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें चुनावों को लेकर पराजित प्रत्याशियों के साथ आत्ममंथन किया गया। इस मौके पर आप नेता भगवत सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में 6.7% मत प्राप्त हुए हैं, तो वहीं एक महापौर पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मयूर न्यूज आपके साथ है। आप दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मयूर न्यूज़। नमस्कार।